संजय बर्वे मुंबई के नए सीपी। संजय बर्वे को मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। उन्हें सुबोध जायसवाल की जगह लाया गया है। जायसवाल को महाराष्ट्र का नया डीजीपी बनाया गया है। पदभार ग्रहण करने के बाद संजय बर्वे ने मीडिया से कहा कि मैं मुंबई वासियों को भरोसा दिलाता हूं कि वे सुरक्षित हैं, शहर सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस शहर के निवासियों की सुरक्षा के लिए है। बच्चे, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना मेरी मुख्य प्राथमिकता है। नए सीपी ने कहा, मैं पुलिस और शहर के निवासियों से सतर्क और सावधान रहने की अपील करना चाहता हूँ। अगर कुछ संदिग्ध लगे तो तुरंत पुलिस को संपर्क करें। I will only say a few things to the citizens and also the policemen. Eternal vigilance is the cost of our safety. We have to be vigilant, we shall be vigilant, and we expect that citizens to be alert and to report things to us so that we can intervene at a proper time. That's all. Congratulations, sir. आपने दो बातों का जिक्र किया। एक, अभी की असाधारण स्थिति, जो स्थिति है वो बॉर्डर पे है, और दूसरी बात जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नॉर्मल कंडीशंस में रहती है। दोनों के बारे में मुंबई पुलिस पूरा बंदोबस्त करेगी। बंदोबस्त स्ट्रीट प्रेजेंस में रहेगा, अयोग्य और जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है उस पर कंट्रोल रहेगा। मुंबई में जो आवाजाही है लोगों की, इसमें रेलवे पुलिस भी हमारे साथ रहते हैं, एयरपोर्ट पुलिस भी साथ में रहते हैं, सीआईएसएफ के पास है। तो ये जो आपका कहने का विचार है कि अलग अलग रहते हैं, अलग नहीं रहते, वी वर्क टूगेदर। मेरा सवाल वही था सर कि बॉर्डर पे जो हालात बने उसका असर देश के मेट्रोज पर भी पड़ा है। यहाँ पर सिक्योरिटी जो है कई बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी और बढ़ाई जाएगी बिल्कुल। और ये शहर सर दरअसल ऐसा ही जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है मुंबई। यहाँ पर पाकिस्तान से लोग आके इन्होंने उत्पात मचाया हुआ, तो ऐसी स्थिति में से निपटने के लिए आप क्या मैकेनिज्म डेवलप करना चाहते हैं? बॉर्डर को हैंडल करने के लिए हमारी सेना सक्षम है। मैं मुंबई का पुलिस का जो काम है वो स्टेट में, सिविल पुलिस का जो काम है स्टेट में, अपने शहर में कायदा कानून और सुव्यवस्था बरकरार रखना, वो हम जरूर रखेंगे। ये प्रोफेशनल फोर्स है, इसके लिए क्या करना पड़ता है कि हम सबको, यहाँ जो बैठे मेरे साथी, इन सबको अच्छी तरह से मालूम है, और नागरिकों की सुरक्षा के लिए वो सब किया जाएगा। अच्छा, पराड़ी सर, मुंबई तुम्हें ज्या भाषेत प्रश्न विचाराल त्या भाषेत उत्तर मिळेल।